हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो आज हम जा रहे हैं आसान तरीके से छोला भटूरा बनाने। तो हम ये चना ले लिए हैं बड़ी वाली, तो बॉयल करने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट लाइक कीजिए, प्यार दीजिए। चना बॉयल करने के लिए रख दिए हैं इसमें, और इधर मैदा है हमारे, इसमें थोड़ा मीठी सोडा डाल दिए हैं, और इसमें रिफाइंड सॉफ्ट होने के लिए डाल दिए हैं। अब इसमें हम दही मिक्स करेंगे। पहले इसमें मीठी सोडा और थोड़ा सा रिफाइंड डाल के मिक्स किए हैं, फिर इसमें दही डालेंगे। कुछ देर के लिए इसको इसमें दही डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसमें दही मिलाकर हमने आटा को गूंथ लिया है, तो इसका देख सकते हो कुछ देर के लिए, आधा घंटा के लिए इसको इसी तरह रख देंगे, ताकि पूरा जो दही रिफाइन सोडा है तो मिक्सचर एक हो जाए। तो कुछ देर के लिए हम रख देते हैं। और मेरा चना बॉयल हो रहा है, तो और हम चल रहे हैं इसका ग्रेवी तैयार करते हैं। और हम आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, तो हम आप लोग को दिखाते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप बनाकर घर पे खा सकते हो, मार्केट से तो अच्छा ही रहेगा। फ्रेंड, मैंने प्याज बारीक काट लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं, और इसमें मिर्चा आदि लहसुन का पेस्ट बना लिए हैं, और ये मेरा खड़ा गरम मसाला है, तो तड़का देने के लिए मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम मसाला ऐड नहीं करेंगे, तो हम खड़ा ही थोड़ा डालते हैं। और मेरा ये करी तेज पत्ता है, तो इसको भी हम डालते हैं। तो इसको पहले हम लेते हैं। कढ़ाई हमने रख दिए हैं, कढ़ाई गरम हो रही है, और उसमें हम ऑयल डाल दिए हैं, और ये मेरा तड़का देने के लिए तेज पत्ता, खड़ा गरम मसाला। और हम ज़्यादा बाहर का मसाला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब इन्फेक्ट पड़ता है, तो बट हम बस राजेश मसाला ही यूज करेंगे। और ये मेरा पेस्ट है आदि मिर्चा लहसुन का, और हम आसान तरीके से और अच्छा आप लोग को बनाकर खिलाते हैं, दिखाते हैं। क्या कर रही हो अशी? कार्टून हाय करो, तेज बोलो, तेज बोलो, तेज बोलो, तेज बोलो, हाय बोल रही हो कि बाय बोल रही हो? ये फ्रेंड हमारे बाहर का लोकेशन, हमारी तेल गरम हो चुकी है, तो हम ये दोनों साथ में ही डाल देते हैं। प्याज भी डाल दिए हैं, और इसमें हम लहसुन डाले हैं, अभी फर्स्ट टाइम भी लहसुन डाले हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो हम प्याज को अच्छी तरह लाल कर लेंगे। ये हमारा दालचीनी है, और ये बड़ी इलायची है, और मेरा इधर चना बॉयल हो रहा है एक साइड। हमारी प्याज हल्का लाल हो गई है, तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे।
फ्रेंड इसमें एक चम्मच नमक ऐड करेंगे ताकि जल्दी से हमारा ये पेस्ट बन जाए एकदम गल के। तो ये जल्दी से वो होने के लिए नमक डाल दीजिए। अपना चना देखे तैयार हुआ है कि नहीं। मेरा चना बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इधर हम देखिए फ्रेंड एकदम गल गया है चना। देखिए हमारा टमाटर ये, अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे फिर इसको अच्छी तरह पकाएंगे। हम ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करेंगे, लाल मिर्च पाउडर वगैरह ज़्यादा ही ऐड करेंगे। आप लोग का इच्छा, आप लोग कर सकते हो। पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ये जो पेस्ट बनाए थे हम लहसुन मिर्चा आदि का ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड हमारा मसाला अच्छी तरह से पक रहा है, देख सकते हो। इसको और अच्छी तरह से पकाएंगे। फ्रेंड हमारा मसाला तैयार हो गया है इसका ग्रेवी। तो इसमें हम चना ऐड करेंगे। मैंने चना इसमें ऐड कर लिया है। हल्का से इसको पकाएंगे। फ्रेंड अपने अनुसार आप पानी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए हमारी अच्छी तरह पक रहा है। तो अब इसमें हम नमक ऐड कर लेते हैं। याद रखिए पहले आप नमक ऐड किए थे तो अपना चख कर ही अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिएगा। कुछ देर तक पकने देंगे हम। मेरा छोला रेडी हो गया। हमारा आसान तरीके से छोला और भटूरा बनके तैयार हो गया है। अब आशी टेस्ट करने वाली है तो देखिए टेस्ट कर बताएगी कैसा बना है। देखिए बाहर का ज़्यादा मसाला यूज नहीं किए हैं, ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर ये सब नहीं यूज किए हैं। नॉर्मल तरीके से आसान तरीके से छोला भटूरा बनके तैयार हो गया है। आशी चख कर बताओ कैसा बना है। आशी चखने जा रही है।
कैसा बना है आशी? मुंह से बताओ। अच्छा, अच्छा बना है। यम्मी लग रहा है कि नहीं? यम्मी है। फ्रेंड आप भी घर पे बैठकर आसान तरीके से छोला भटूरा बनाइए। देखिए मेरा छोला, किचन में ज़्यादा लाइट नहीं था इसलिए उसमें ठीक से नहीं दिख रहा था, बट देखिए रूम में। अब आशी खाने जा रही है। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। हम अगले वीडियो में और बहुत सारा कुक लेकर आएंगे। बाय बाय। बाय बाय कर दो।